ऋचा शर्मा रंगली एल्बम के मौके पर आज आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं। हम चाहते हैं कि कुछ क्या कुछ फील करते हैं आप जब इस तरह से नए नए सिंगर आते हैं, एल्बम नए नए एल्बम लाते हैं। देखिए ऋचा जी को मैं नया तो नहीं कहूँगा, वो तो काफ़ी बरसों से गा रही हैं और बहुत खूबसूरत गीत उन्होंने गाए हैं और उनकी आवाज़ जो है एक बड़ी सच्ची आवाज़ है। वो आवाज़ बना के नहीं गाती हैं बल्कि एक पूरे भरपूर गले से और खुल के गाती हैं और बड़ी अर्दी आवाज़ है उनकी। और इस तरह के जो गीत हों और इस तरह की जो धुनें हों जिनमें हिंदुस्तानियत हो, उसके लिए यह आवाज़ बड़ी कमाल की है और इसी वजह से इतने बरसों से वो पॉपुलर हैं। बरसों से जबकि कितनी उथल पुथल होती रहती है शो बिजनेस में, तो जो लोग इनको मेरे ख्याल से 20 साल तो हो गए होंगे, तो 20 साल तक कोई आदमी टिका रहे इस काम में आसान बात नहीं है, तो कोई गुनी होता है तभी टिकता इतना। सर अभी हम देख रहे हैं एल्बम का टाइम जो है फिर से आ रहा है, जो बातें कर रहे हैं गाने अभी हमने देखा 2 दिन पहले, धीरे धीरे एल्बम एक लॉन्च हुआ। देखिए एल्बम भी लॉन्च हो रहा है और एक नई बात हो रही है बहुत अच्छी है कि अब सिंगल्स भी लॉन्च हो रहे हैं। ये हमारे यहाँ नहीं होता था, ये बाहर तो था हमेशा से लेकिन हमारे यहाँ नहीं था। तो होता यह था कि एक गाने के लिए कई गाने खरीदने पड़ जाते थे जो कि नहीं चाहिए होते थे, मगर अब यह है कि आप अपनी मर्जी का गीत खरीद सकेंगे और अच्छी बात है। देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बदलती है, लेकिन जो कंटेंट है, जो असल चीज़ है, जिसे आप कहें कि जो रूह है, ये तो तरीके हैं कि आपने डाउनलोड किया है, कि आपने स्ट्रीम किया है, कि आपने सीडी ख़रीदा है, वो बात की बात है, ये तो रास्ते हैं, लेकिन जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए और जैसे भी होगा तो हर तरह से वो लोगों तक पहुंचेगा। तो मुझे यकीन है मैंने गीत सुना है, बहुत अच्छा गीत है और बहुत उम्दा गाया है, अच्छा कंपोज़ किया हुआ, कंपोज़ उन्होंने खुद किया है, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि कामयाब होगा। देखिए मैंने तो कॉलेज में भी ज़्यादातर कैंटीन में ही सीखा था, लेकिन यह कि जहाँ तक संबंध ये है कि कॉलेज तो आपको इस काबिल बनाता है कि आप कुछ सीख सकें, बाकी सीखते तो आप खुद हैं बाद में। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप राइटर हैं तो जो आपने पढ़ा अलग से सिर्फ कोर्स की किताबों के अलावा, उससे आपको फ़ायदा होता है। आप संगीत में हैं, अगर म्यूज़िक स्कूल में गए हैं तो आप सीखे ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद आपने क्या रियाज़ किया है, किस म्यूज़िक को सुना है, क्या है आपका एक्सपोजर है, क्या आपने जतन किए हैं, वो बड़ी बात है। सबसे बड़ा स्कूल और सबसे बड़ा कॉलेज तो ज़िंदगी खुद है। That's why I'm saying, I think the biggest school in the world is life itself. Yes, you need formal training, but formal training enables you to learn. Then you have to learn on your own, because and the teacher is the life itself. जी हाँ, जब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो और मैं ही उसके गीत लिख रहा हूँ और हम थॉरली इंजॉइंग इट, बहुत अच्छा है और वो भी टीचर से ही संबंध कहानी है, जैसे कि आपको टाइटल से ही मालूम हो रहा होगा, उसमें शबाना जी और जूही जी दोनों टीचर्स का ही रोल कर रही हैं, अच्छी कहानी है। सर कुछ गीतों के बारे में हमें बताएंगे किस तरह के गीत होंगे, आप ही गीत लिख रहे हैं? अब देखिए मैं अब क्या बताऊँ, किस तरह के गीत तो कहानी का हिस्सा होते हैं, नहीं होते तो होना चाहिए। और जैसी कहानी हो, जैसा कैरेक्टर्स का इंटेलेक्चुअल लेवल हो, जो उनका कल्चरल बैकग्राउंड हो, उसी हिसाब से गीत लिखने चाहिए और यही कोशिश करते हैं हम लोग।
आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हर आर्टिस्ट का ना यहाँ पे एक परसेप्शन होता है, आई एम श्योर, लाइक मिक्का पाजी का एक परसेप्शन है, कपिल जी का एक परसेप्शन है, ऋचा जी का एक परसेप्शन है कि थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सोशलाइज कम करती है, पर ट्रस्ट मी, जितना मैं इनको जानता हूँ, ये बहुत 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 ज्यादा नटखट है, गुंडी है, एग्जैक्टली, या दैट्स अ राइट वर्ड, शी इज अ, इनके साथ 15 तो दीदी मैं, हम सबको ना एक कीड़ा जो हमें बनाता है, जैसे मुझे एक्टिंग का कीड़ा लगा, आपको सिंगिंग का लगा, ये कीड़ा कहाँ से आया, ये मैं जानना चाहता हूँ, आपकी आपकी खुद की आवाज में, प्लीज। मैं कुछ भी बोलूंगी उससे पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलूंगी। मैं बहुत ज्यादा भावुक हूँ, इमोशनल हूँ इस वक्त, क्योंकि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम 20 साल हो गया और कोई गाना खुद कंपोज किया और उसको वीडियो भी हो गया उसके लिए, उन सब लोगों का थैंक यू जिन्होंने साथ दिया, हार्मिक भाई जी एंड वरुण, एवरीबडी, एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू से थैंक्स स्पेशली जावेद साहब, एक बार कॉल किया और मैंने उनसे बोला मेरा ड्रीम है कि मैं पहली बार लॉन्च करने जा रही हूँ, मैं अभी भी काम कर रही हूँ, और मैंने बोला कि आपके हाथ से वो ओपन हो सबके बीच में, और ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब जिनके हम लोग पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हैं, वो आके ब्लेस कर रहे हैं, और हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं कि ऐसे ऐसे दिग्गज, ऐसे ऐसे महानुभाव हम लोगों के बीच में हैं, हम उनका दर्शन कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब और जावेद साहब, एंड थैंक यू ऑल द सिंगर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे मिक्का भाई जो बहुत प्यार से कपिल बुलाती हूँ, वो मुझे ऋचा दीदी बुलाता है, तो अच्छी बात यह है कि ही डजंट नीड एनी प्रमोशन, सो ही इज अ बिग स्टार। और मैं जब जागरण करती थी पंजाब में, कपिल यूज टू कम कंबल में ओढ़ के, ये करीब 20-25 साल पुरानी बात है, छुपके मेरे जागरण सुनने आता था, और ये इंसान आज इतना बड़ा स्टार बना है, इसके लिए मेरा दिल बहुत गदगद करता है, और आई विश हिम बेस्ट इन हिज लाइफ। सोनू जी, उनको भी मैं बहुत पुराना जानती हूँ, इतना ज़बरदस्त मुकाम, ये लोग सब इस इंडस्ट्री के पिलर्स हैं जो हमारे संगीत को बचा के रखे हैं। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ अलका जी को, हमारी बहुत सीनियर हैं, इन लोगों का यहाँ चरण पड़े, सुरेश दादा, सुरेश वाडेकर जी, ये सब लोग जो मेरे लिए आए हैं, मुझे मेरे पास शुक्रिया करने के लिए पूरी तरह से आत्मा, ये इन शब्दों में सुनाई दे सके तो सुन लीजिएगा, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का, और मेरी छोटी प्यारी हर्षती, नीति, ये सारे आकृति, दे ऑल आर हियर फॉर मी, आई एम वेरी लकी, वेरी ब्लेस्ड। बहुत लंबा बोल दिया जीत दादा आप, कुणाल भाई थैंक यू सो मच, इसका नाम रह गया वो तो, और सबको बहुत थैंक यू। और जहाँ तक इसने बोला इस क्लोजेट से कैसे बाहर आ गई, कीड़ा तो मुझे भी है ना, गुंडी अभी तो बोला है, मतलब अंदर मन तो बहुत होता था लेकिन क्या बीमारी होगी, बट मैंने कहा अब देख ही जाएगी, बहुत हीरोइनों ने डांस कर लिया, मैं किसी हीरोइन से कभी करी। जब ये वीडियो बनने जा रहा था, गाना बॉबी पाठक, यहाँ हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छा प्रकर्शन प्ले करते हैं, दिल्ली से हैं, मैं और वो ऐसे जैम कर रहे थे, तो मैंने और बॉबी ने मिलके ये गाना कंपोज, मतलब उन्होंने प्रकर्शन किया, मैं कंपोज किया, तो ऐसे गाना बन गया। और फिर गाना जब बना तो वो बहुत बड़ा, एक हमारे बहुत अच्छे फ्लॉटिस्ट हैं पारसनाथ, उन्होंने इसे कंपोज किया, सॉरी मैंने कहा फिर क्या करें, एक हीरोइन को पकड़ते हैं, कोई सेक्सी सी है ना, स्लिम ट्रिम टाइप, हॉट सी, तो मैंने कहा वो तो भाई पैसे मांगेगी, चलो ठीक है साला, पैसे भी हम लगाएं, नाचे भी वो, फिर कल को शो भी वही नाच के कर रही होगी, तो मैं ही आती हूँ वीडियो में, मैं मलाइका अरोड़ा है या मल्लिका शेरावाती, मैंने कहा आज मैं इसलिए इस वीडियो में आना चाहती हूँ कि लोग मेरी आवाज को प्यार करते हैं या भाई ये मोटी पतली छतरी कतली ये देखते, भैया आवाज सुनो ना, ये होनी चाहिए, तो बस रंगली अपना रंग लेके आ रही है, और उसकी वो कैसे तैयारी हुई इसका छोटी सी झलक आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। Let's have the making of the video.
कामयाबियां दे, ये मेरी दुआ है, ये मेरी विशेस हैं इसके लिए। डांस तो काफी समय से रहेंगे, लेकिन इस फिल्म में वो डांस भी किया है, वो काफी यूनिक बात है, क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, उसको शौक है और क्यों नहीं, सब करते हैं, तो शी इज आल्सो डूइंग इट व्हिच इज अ गुड थिंग। एक नई चीज की है और ठीक है, अपने आप को इस तरह जो है वो ग्रूम करना चाहिए और कुछ नया करना चाहिए, एंड वो नया कर रही है। ऑल द बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस। बिल्कुल ऋचा जी के एल्बम के लिए, अरे देखिए का नाम लो और भाई गया, कंग्रेचुलेशन मुझे। थैंक यू फॉर कमिंग, क्या बात है। आते आते भी ऊपर आ नहीं पा रहा हूँ, बट अभी मैं लेके चलूंगी। ऑफ कोर्स, नहीं नहीं, हम सब ऋचा जी की आवाज़ की, उनकी गायकी की, उनकी इस मुस्कान की हम सब फैन हैं। तो उनका पहला
पहला सिंगल आया है इतने साल बाद, तो बस हम सब वी आर ऑल हियर विश हर ऑल द बेस्ट विशेस, और उनके इस बहाने कुछ अच्छी चीज भी हम सब सुनेंगे देखेंगे, तो इट बी वंडरफुल, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। I'm very जी एल्बम नहीं है पहली बात, ये सिंगल है और आजकल ट्रेंड है, एक साल से इंडिया में बहुत प्रचलित है, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आवाज़ कम करा ना, तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, ऑल द म्यूजिक इंडस्ट्री, ऑल द पीपल हैव कम हियर टू विश मी, और इसका मोटिव है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करें, प्रमोट करें, और अच्छे संगीत और अच्छे लिरिक्स को, क्योंकि मैंने इस गाने में बहुत ध्यान रखा है कि लिरिक्स और संगीत का एक अच्छा मिश्रण हो, और हमारा इस गाने को लिखा है राजीव राणा ने और मैंने कंपोज किया ये गाना, जी म्यूजिक से रिलीज हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, जावेद अख्तर साहब, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मेरी एक बार उनसे अनुरोध करने पे कि ऐसे ऐसे मैंने उनको न्यूज़ दिया कि मैंने कंपोज किया है और उसको रिलीज़ करने जा रहे हैं, उन्होंने एक बार ना किया और मेरी रिक्वेस्ट कबूल की, और जावेद अख्तर साहब हों, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब हों, सोनू निगम जी हों, और मीका हैं, कपिल शर्मा जिसका नाम लालका याग्निक, जसविंदर नरूला एंड सुनिधि चौहान एंड जसवीर जोशी, कुणाल गांजावाला, शान के सब लोग आए हैं, मुझे बहुत खुशी है, मेरे कलीग्स हैं, कुछ मेरे जूनियर्स हैं, मुझे बहुत खुशी है कि एक अच्छा संगीत को सपोर्ट करने आए। क्योंकि मैं संगीत क्रिएट करती रहती हूँ अकेले बैठे हुए, और जब ये मैंने देखा कि अब ट्रेंड आया है कि एक सिंगल गाना हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, तो मैंने सोचा इसको बड़ा बनाया जाए, और फिर वीडियो बन गया और सबको अच्छा लगा, तो हमने इसको लॉन्च किया जी म्यूजिक से। देखिए हर कलाकार में एक डांसर होता है, हर सिंगर में एक डांसर होता है, और मुझ में भी है, तो बस मैंने गाना ऐसा था कि मैं उसको अच्छे से डांस कर सकती थी, तो मैं गा रही थी, डांस कर रही थी, तो मेरे कोरियोग्राफर्स ने कहा कि आप इस पे थोड़ा सा डांस भी कीजिए, मैंने कहा चलो घर में तो करते ही हैं, अब पर्दे पे भी लोगों को ऋचा का नया रूप, नई रंगली देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, इस तरह से आपका अंदाज हमें देखने को मिलेगा बहुत जल्दी जल्दी, अब तो ये ट्रेंड शुरू हुआ है, तो अब जल्दी जल्दी होगा, हम एक गाने पे फोकस कर सकते हैं। थैंक यू, इस गाने को बहुत सुने, बहुत इंजॉय करें और खूब फैलाएं, और मेरे को अपना आशीर्वाद प्यार दें। थैंक यू। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा ऋचा जी को कि इतना अच्छा उन्होंने गाना गाया, एंड उससे भी अच्छा बात ये लगी कि हम सारे सिंगर आज अचानक ऋचा जी से ऋचा कैसे हुआ, सच सच ओके ऋचा ऋचा रंगली की वजह से ना रंगली हिम्मत चेंज होगी आज ओके रंगली हाँ। बहुत जन का गाना है, बहुत अच्छा, और मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा डांस किया है, और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हम आज सारे सिंगर्स आज इकट्ठे हुए हैं ऋचा जी को स्पेशली इस लॉन्च पे, एंड सब बिल्कुल, और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से पॉप म्यूजिक वापस आए, जो 98 का दौर था जो हम लोगों ने शुरू करा था बहुत पहले, इन लोगों ने शुरू किया, एंड आई थिंक बहुत टाइम बाद अच्छा एक गाना, अच्छा वीडियो देखा है, तो मैं ऋचा मेरी फ्रेंड को, मेरी दीदी को, मेरे बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो ऐसे ही और अच्छे अच्छे गाने निकालें, एंड वर्ल्ड वाइड उनकी फैन फॉलोइंग है। नहीं अगला गाना बोलो ना, हम दोनों साथ करने वाले हैं, जरूर करेंगे। क्या होगा कुछ बताना चाहेंगे? वो सरप्राइज, देखो वो सरप्राइज है, अच्छी बात ये है कि इनके फैंस हैं, फैंस इंडस्ट्री में हैं, कपिल शर्मा मैं हम सब इनके बहुत बड़े फैन हैं, एंड आज बहुत अच्छा मौका है कि आज हम सभी सपोर्ट के लिए आए हैं, सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई। साथ में डांस करते हुए दिखेंगे जो अगला नेक्स्ट एल्बम होगा आप लोगों का, वो भी सरप्राइज है, पहले आप ये रंगीली देखना, रंगीली के बाद हमारा कुछ और रंगीलापन आपको नजर आएगा। आप जो पकड़े वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क
एक रंगली, ऐसी रंगली जो अपना डांस भी दिखाती है, अपने गाने में भी परफॉर्म करती है। सच में आज ऋचा दीदी ने दिखा दिया कि वो कितनी बखूबियत से अपनी कला का प्रदर्शन कर सकती है। बहुत मजा आया, आई रियली लव्ड इट। ऋचा दीदी हेलो, एक सेकेंड साथ में। मेरी रंगली मेरी रंगली रंगली मेरी रंगली हाँ मेरी रंगली 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 आई लव हर एंड मेरी बड़ी दीदी है ये, एंड आई एम सो हैप्पी टुडे एंड सो प्राउड ऑफ हर। और मैं खास उनके लिए आई हूँ, शी इज़ माई फैमिली एंड आई लव हर वेरी वेरी मच एज एन आर्टिस्ट एज अ पर्सन। और बहुत मज़ा आया आज मुझे एज अ सिंगर, और मैंने इनको देखा है बहुत मेहनत कर करके आज जब मैंने इनका नया रूप देखा तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डार्लिंग, गॉड ब्लेस यू बाबू। डांस वीडियो कैसा लगा इनका? देखिए क्या कहूँ, जितनी हीरोइन है सबकी छुट्टी कर दी इन्होंने। अब जो है ज़्यादा हो रहा है, पर हाँ मैंने डांस कर तो लिया बाबा, मुझे वो स्टेप बड़ा अच्छा लगा। Beyond expectations, वो सवाल ही नहीं है भाई। We just wanted to see what the product is, but it was beyond. I'm very happy that she's the star of the video, that she's the composer, singer. हमें पता ही था, but I'm glad that she's the star and you know, video killed the radio star, but the radio star is back. So nice. Actually, मैं रिचा को एक बात कहना चाहता हूँ कि इतना अच्छा अंतर कैसे बनाए। फैंटास्टिक अंतर। थैंक यू दादा, आई शुड से बिग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू। अभी कुणाल और मैं गाना गाऊंगा, रिचा गाना बनाएगी। यही कोशिश करते हैं। ऑल द बेस्ट रिचा, फैंटास्टिक सॉन्ग, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। और ये हिम्मत होना चाहिए कंपोजर एंड इन्होंने जो एक्ट किया है इसमें, इतना अच्छा एक्ट किया है, फैंटास्टिक। गॉड ब्लेस। थैंक यू दादा, थैंक यू। वेरी क्यूट, वेरी वेरी क्यूट। मैं एक ही कहूंगा कि we're glad that the music industry is complete by itself, it always was, and this is a great stepping stone for that. Ki hum buland hai apne aap mein as an audio. Yes, we are the pillars of the music industry. Exactly, God is great. We all, and she's, we are very proud of her, always happy. Hame bahut khushi hai ki itna pukhta artist ne aisa kadam rakha hai, to hum sab ke liye, you know, we all depend on each and other. Thank you everyone for supporting me for this kadam. और मुझे बहुत खुशी है कि ये जो कदम मैंने सोचा एक करीब 8 महीने पहले, और आज 8 महीने बाद ये बाहर आया, और पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री मुझे सपोर्ट करने के लिए एकदम खड़ी है। एंड थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू। एंड एक चीज़ और है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, सूफी, ये सब भूलते जा रहे हैं लोग। हम भूलने नहीं, ऐसा है कि इंस्ट्रूमेंट भी अब सरोद बोलो सितार बोलो कम होते जा रहा है। ऐसा ना हो कि फिल्म के लिए या एल्बम के लिए कोई गाना में सरोज चाहिए या कोई सूफी चाहिए, हमको जापान में फ़ोन करने पड़े। वहाँ पे अभी सीख रहे हैं कि कुछ बहुत गुने चुने आर्टिस्ट है, तो रिचा में उनमें से एक है, और मैं चाहता हूँ और एल्बम बनाए और गाना करे। अब अगला गाना हम बना रहे हो मेरा। श्योर, पक्का। अगला गाना डांस करते हुए आप दोनों को हम देखेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे हम लोग। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। जैसे जीत भाई ने कहा कि बहुत कम आर्टिस्ट है जो प्योर इंडियन है, यू नो, जैसे सुरेश जी, सुरेश वाडकर जी, हरिहरन जी, शंकर भाई, सोनू, जो प्योर इंडियन गाते हैं, रिचा, यू नो, हु आर ऑन द सीन स्टिल एंड एक्टिव। सो देर आर लेजेंड्स एंड देन देर आर लेजेंड्स इन द बिकमिंग। सो इट्स ग्रेट। बहुत बहुत एक्साइटेड है हम लोग, और बहुत खुशी हुई इस एल्बम को देख के इस वीडियो को, बहुत मज़ा आया, और आई होप कि सारी जनता को, सारे लोगों को बहुत पसंद आएगा। आजकल सिंगल्स का ज़माना है, तो इनका ये सिंगल है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। और ये पूरा एल्बम तो है नहीं, उनका एक सोलो गाना है, तो बड़ा मज़ा आया। और जैसे कि आके सबसे ज़्यादा भी मज़ा आया कि सबसे मुलाकात फिर से हो गई, और ऑल द बेस्ट एंड अ लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रिचा।
उन्होंने खुद परफॉर्म भी किया। हाँ अच्छा, खुद परफॉर्म भी किया। एक्चुअली सब लोग को मालूम है कि मैं थोड़ा बहुत किया, उन्होंने लिरिक्स लिखा, उन्होंने सब कुछ किया और परफॉर्म भी किया, गाना भी गाया। सो हाँ, हम लोग तो इतने टैलेंटेड नहीं है, हम लोग सिर्फ डांस कर सकते हैं। वीडियो देख रहे थे तो मोहित हो गए थे, तो इतने सारे नीटी ग्रिटीज में ध्यान नहीं दिया, तो मैं बोल याद दिला रही हूँ। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा, डांस बहुत अच्छा लगा और अच्छा है, मज़ा है। सारे दोस्त मिल गए, यहाँ पे पार्टी होने वाली है लेट नाइट तक, इसलिए हम थोड़ा लेट भी आए हैं ताकि हम सुबह तक रुक पाए। अच्छा, आप दोनों में गाना भी अच्छा गाते हैं? मैं बहुत ही वाहियात गाता हूँ, देवीना अच्छा गाती है सच में। अगर कोई भी गाना आप दोनों साथ में, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, बजा दे, यही एक्चुअली बस इतना ही धन्यवाद है। हाँ, तुम्हारे लिए गाया एकदम, इसको गाने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है यार। मैं बहुत ही वाहियात गाता हूँ, गाना मैंने दिया साथ में, बस इतना ही तो है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। उसके बाद जाने मना रुक जाना दूर दूर जा, जाने मना रुक जाना दूर दूर जा, तेरे गोरे गोरे गाल, तेरे काले काले बाल, जब निकला होटल से लाल लाल बाल, है जाने मन जहां तू वहां मैं, है, इससे पुराना गाना और इतने अच्छे से कोई गा सकता है? रैप है, रैप गा सकती है, और रैप भी ना अच्छा कर सकती है। Please join.